हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज है संडे और आज है मदर्स डे। तो सभी मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे, और जो भी नई मदर बनने वाली है उनको भी हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि वो थोड़ी बहुत फीलिंग तो आई जाती है तभी से अपने अंदर। तो मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन जो अपन कर सकते हैं अपनी मम्मी के लिए उनको मेरे हिसाब से आज के दिन तो कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, स्पेशल फील करवाना ही चाहिए। और मेरे साथ तो रोज़ ही करवाना चाहिए, लेकिन आज के दिन तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने अपने लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हुए होते हैं। वो अपन जब माँ बनते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ क्या फीलिंग है और क्या मतलब लगता है अपने अपने बच्चों के लिए। हाँ बेटा, तो बस मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, कुछ नहीं कर सकेगी। तो बस आज कुछ स्पेशल तो होने वाला तो है नहीं, फिर भी आज का पूरे दिन का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड के फ़ोन से व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना आवाज़ की दिक्कत हो रही है, आवाज़ आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। तो आज मैंने सोचा इनके फ़ोन से व्लॉगिंग कर लेते हैं, और इधर संडे के मज़े लेते हुए लोग इनके मज़े हैं, एक दिन तो पूरा आराम है मतलब, है ना। तो बस मैं मेहू को नहला देती हूँ पहले, और फिर देखते क्या करते हैं। नहीं तू नहा के आई ना? नहीं नहाया तूने? कहाँ, उस पूल में नहाई तू छोटे वाले? तेजीब दिखा। पी लो फटाफट, पियो पी लो, पी लो फटाफट। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना गाइस, बाहर आने के लिए वापस बारिश आएगी, लेकिन गर्मी नहीं हो रही है बारिश आने से पहले वाली, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं आज, तो शायद ही आएगी, लेकिन मौसम तो काफ़ी मतलब ऐसे बादल बादल जैसा हो रहा है। हाँ बैठो, मेरी बेटी बिठा रही है मुझे नीचे। तूने अभी तक जूस नहीं पिया तेरा? तो बस अभी है हम लोग जूस बना के पिया है, और अब शायद हम लोग जाएंगे, थोड़ा बहुत राशन का सामान लाना है तो वो लेके आएंगे। अगले महीने पिछले महीने जो नहीं लाए थे उन चीज़ों से ख़त्म हो गई है थोड़ी बहुत, नहीं उनका ज़्यादा ख़त्म हो गया, साबुन वगैरह लोशन बीच बीच में, उसको भी मैं रेडी करती हूँ और लेके आते हैं। पास में जाएंगे, आप पास में है एक स्मार्ट बाजार, तो वहाँ से ही आएंगे, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लाना है ना मैं हूँ ना। अच्छी आते लिफ्ट में नाचने लग जाती है मैं हूँ। मैं हूँ ऐसे कैसे चल रही है तू? मीहू कहाँ जा रही है? जेजे कहाँ जा रही है? जेजे कैसे करते हैं बेटा? वेरी गुड। तो गाइज अब हम निकल गए हैं, पहले जाएंगे माता जी के और फिर सामान लेके आएंगे, और काफ़ी लेट हो गया। छः कितनी बजी है? 6 बज गई है। तो बस फटाफट से लेके आ जाते हैं फिर। हाँ हाँ जेजे है यहाँ पे भी, जेजे है। तो गाइस हमने दर्शन वगैरह कर लिए, और संडे को तो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है जब कभी भी आ जाओ मतलब संडे को। तो बस लाइन में लग के दर्शन वगैरह करके आ गए हैं, और अब चलते हैं सामान लेके आ जाते हैं। और आज मदर्स डे का पता नहीं मेरे हस्बैंड मेरे को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। क्या देने वाले हो?
सोच रही हूँ, बोले मैं सोच रहा हूँ फिर देखता हूँ। मेहू ने वहाँ पे बलून देख लिया, तो बलून 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 कर रही है ना मेहू। क्या नहीं लिया तेरे पापा ने बलून? वापस आएंगे तब लेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। ना है बेटा बलून कौन लेगा तेरे लिए बलून? है हाँ? क्या है? हबू। ओ, क्या दिखा मेहू को? मेहू क्या क्या ले रही है? हेलो गाइस, तो सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि व्लॉगिंग पता नहीं प्रॉपर हो नहीं पा रही है मेरे से। और कल का मतलब मेरी सच में कल तो मेरी गलती नहीं थी, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था कि ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आप लोगों ने देखा हम लोग निकले थे माता जी के गए थे, फिर उसके बाद हम लोग गए थे रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, वहाँ से हमने सामान वगैरह लिया और फिर घर आए हम। तो जैसे ही घर आई, मतलब घर पहुँचने से पहले ही मेरा ना पता नहीं अचानक से इतना जी घबराने लगा ना, मतलब यहाँ पर मुझे पेन होने लग गया था और इतना ज़्यादा हो रहा था ना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कुछ मतलब अजीब सा डर लग रहा था मुझे। तो डर तो वो इसलिए लग रहा था कि मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों दर्द निकल रहा है, मतलब इसलिए डर लग रहा था। बाकी यहाँ पे इतना यूँ लग रहा है कुछ यहाँ पे कुछ अटक गया हो वैसा वाला दर्द हो रहा था। तो मतलब ब्लॉग तो छोड़ो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। मतलब ना मेरे साथ ऐसा हो गया था कि वो जूस पिया था ना मैंने, तो तरबूज का जो जूस बनाया था, उसके बाद से थोड़ा सा जी घबराने लगा मेरा, शायद उससे ही कुछ ना कुछ हुआ था मुझे। लेकिन मुझे लगा कि मतलब सही हो जाएगा, कभी कभार ऐसा हो जाता है मतलब, लेकिन वो तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, मतलब पूरी रात भी मुझे सही से नींद नहीं आई उस चक्कर में, मतलब नींद आ ही नहीं रही थी। एक बार आ गई उसके बाद तो ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा यहाँ पे यूँ अटक रहा था ना, सो मतलब लेट रही थी थोड़ा बहुत सही लग रहा था। बाकी मैंने खाना बनाया है, इतना मुश्किल से खाना बनाया मैंने, मतलब इतना थोड़ा यहाँ पे दर्द हो रहा था मुझे, तो इसलिए ब्लॉग भी फिर नहीं कंटिन्यू हो पाया। और पता नहीं ब्लॉगिंग का अभी हाल फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, मतलब मैं स्टार्ट तो कर देती हूँ लेकिन फिर कंप्लीट हो ही नहीं पाता एक दिन में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। और जो हम सामान वगैरह लेके आए थे वहाँ से, वो भी वैसे के वैसा रख रखा है मैंने, मेहू का साबुन वगैरह और थोड़ी अगरबत्ती वगैरह ऐसे निकाला था क्योंकि वो चाहिए था सुबह, बाकी कुछ भी नहीं निकाला, वो भी वैसे का वैसा पड़ा है। तो अभी तो हम लोग काम से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, मेहू को भी इसके पापा सुबह नहला के गए थे, मैं बस अभी नहा के आई हूँ। और सबसे पहले अब मैं वो सामान वगैरह सब अरेंज करूँगी, फिर उसके बाद खाना बना के खाएंगे, मतलब रोटी बनानी है, सब्जी तो मैंने सुबह बना दी थी। गाइस अभी आप लोग देख सकते हो मैं हूँ, मुझे खाना बना के खिला रही है, इसका पूरे दिन यही चलता है, खाना बनाओ और खिलाओ बस, है ना? कैसे कहाँ बता रहे, खिला ना तो तेरे हाथ से। मम्मा खाओ नहीं मम्मा खाओ ना, है ना? मैं इतना प्यार से बोलती है ना, इतना प्यार से बोलती। तो इस बार ग्रॉसरी में ज़्यादा कुछ सामान तो आया नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो पिछले महीने नहीं लाए थे वो इस बार ख़त्म हो गया था, मतलब ख़त्म होने वाला था, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लेकिन गए हुए थे तो फिर ले आए, क्योंकि मेहू का चीज़ें ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, जैसे कि साबुन हो गया, उसका लोशन हो गया, जो हमें ज़्यादा ज़रूरत थी। तो पोहे है मेन चीज़ें, ये दो तीन चीज़ें मेन चाहिए ही थी, तो इसलिए हमने सोचा ले आते हैं थोड़ा बहुत सामान, और जो ख़त्म होने वाला है वो भी ले आते हैं, तो इसलिए चले गए थे और ले आए थे थोड़ा बहुत सामान। और मैं वैसे तो ला के ही तुरंत रख देती हूँ, लेकिन
कल तो मेरी इतनी हालत ख़राब हुई ना, मतलब कुछ भी समझ भी नहीं आने में, वैसे का वैसा रख दिया। बस मैं आलू वगैरह वो निकाल के रखे थे क्योंकि ख़राब हो जाते गर्मी की वजह से, और सुबह इन्होंने साबुन मेहूँ का और अगरबत्ती ये सब निकाला था, बाकी सब चीज़ें बैग में वैसे के वैसे रखी हुई थी, तो वो सब मैंने अरेंज किया। क्या हुआ मेहू की कार को? हाँ चलाओ ना, इधर क्या लग रहा है मुंह के? अरे वाह, कहाँ जा रही है मेहू? बाय, चलाओ। बस 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 मैंने सामान वगैरह सब थोड़ा बहुत अरेंज करना था, वो मतलब ज्यादा कुछ था नहीं ऐसा अरेंज करने जैसा, फिर भी सबको अपनी जगह पे रख दिया है। और मौसम आज वापस बारिश जैसा हो रहा है, आप देख सकते हो बादल बहुत ज़्यादा, सुबह से धूप तो निकली नहीं है आज, तो शायद आज वापस बारिश भी आ सकती है। और मेहू खेल रही है यहाँ पे, और मैं सोच रही हूँ खाना बना के ना मेहू को सुला देती हूँ खिला के एक बार उसको, तो फिर क्या है जल्दी सोएगी, जल्दी उठेगी, रात को जल्दी वापस सोएगी, तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा रूटीन सेट होगा। और मैं ना काफ़ी टाइम से ऐसा मतलब सोच ही रही हूँ कि मतलब ना मेरा रूटीन थोड़ा सा मैं सही करूँ, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, क्या बुराया सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है मेहू के चक्कर में, इसको इसका रूटीन सबसे पहले मुझे सेट करना पड़ेगा जल्दी सुलाने का, ताकि ये भी सुबह जल्दी उठ जाए और फिर दिन में जल्दी सो के वापस जल्दी उठ जाए, तो रात को वापस जल्दी सोएगी, तो ये सब होगा तो मेरा भी रूटीन सेट होगा। बस यही है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब एक चीज़ मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं रूटीन में ऐड करूँ, वो घंटी बजा रही है वहाँ पे, वो अगर मैं सुबह उठूँगी तो ही हो पाएगा। काफ़ी मतलब बीच में मैंने स्टार्ट भी किया था, लेकिन बीच में तो ऐसा कुछ हो गया था कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो बस वही है। और रूटीन सच में मुझे सही करना है मेरा, क्योंकि काफ़ी लेट उठते हैं ना, फिर दिन में सो जाते हैं तो फिर रात को नींद नहीं आती है, इसलिए अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो दिन में भी थोड़ा सोएंगे तो रात को भी नींद आ जाएगी जल्दी। तो बस तो मैं खाना बना लेती हूँ तब से एक बार, इसको खिला के मैं सुला देती हूँ, और इस ब्लॉग को एंड करके आपको आज शाम को 7 बजे मेरे को अपलोड करना है, तो बस मैं रोटी बना लेती हूँ। गाइस मेहू को मैंने सुला दिया है, वो सो गई है, थोड़ी सी देर में ही सो गई क्योंकि वो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी, तो बस अब मैं रोटी बनाने आ गई हूँ, मेरी रोटी बना के खाऊंगी। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे ऐड करती हूँ, और कैसा लगा आपको व्लॉग कमेंट में बताना मुझे। मेहू उठ गई है, मेहू उठ गई थी पता नहीं कैसे,
उसको वापस सुला के आई हूँ मैं, और अब मैं लगूंगी एडिटिंग पे। तो इस वाले ब्लॉग की मैं एडिटिंग करूंगी और शाम को 7 बजे मुझे अपलोड करना है इसको, मतलब पब्लिक करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये सब करूंगी मैं। और ये ब्लॉग को आप प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।